पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जीत लिया है चैंपियन ट्रॉफी का मैदान, दिल में है खुशी, चेहरे पे है मुस्कान। पाकिस्तान बना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान। सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया, मीडिया से गुफ्तगू में कहा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, अब अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है। सीनियर खिलाड़ी टेस्ट और वनडे की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब है। विराट कोहली और रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट परफॉर्मेंस तो है बिल्कुल ही बेकार, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन है उसकी परफॉर्मेंस तो है ही दमदार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ने कहा था कि इस बात पर ठप्पा लगा लो आप, इस बार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पहले तो उसने इनकारी की थी कि ऐसे में स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन बाद में उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं खेलती तो उसकी जगह पर कोई और टीम शामिल कर ली जाएगी, लाइक श्रीलंका, या फिर इंडिया के बगैर ही मैच करवाए जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान में, दूसरी टीम को उसके पॉइंट मिल जाएंगे। अब शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है, इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो एक ही वेन्यू पर होंगे, यानी लाहौर में सारे मैचेस खेलेगी, मगर पाकिस्तान टीम तीनों वेन्यू पर खेलेगी, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में। इंडियन टीम के मैचेस देखते हैं, इंडियन टीम पहला जो अपना मैच खेलेगी वर्सेस बांग्लादेश को 20 फरवरी को लाहौर में, और जो सेकंड मैच होगा 23 फरवरी को वो भी लाहौर में ही खेलेगी। इंडियन टीम का ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच होगा, लेकिन बहुत बड़ा मैच ये है, वर्सेस पाकिस्तान, 1 मार्च को ये मैच होगा लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान टीम की तरफ देखें, चैंपियन ट्रॉफी के जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, पहला मैच होगा वर्सेस न्यूजीलैंड 19 फरवरी को, चैंपियन ट्रॉफी का भी ये पहला ही मैच है। सेकंड मैच जो पाकिस्तान का होगा वर्सेस बांग्लादेश, ये 24 फरवरी को होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान का थर्ड मैच जो है ऑफकोर्स इंडिया के साथ है 1 मार्च को। इस बार चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। पहले ग्रुप में है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड। बी ग्रुप में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान। याद रहे आपको, ये जो शेड्यूल रिलीज किया गया है ये आईसीसी की तरफ से अप्रूव है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अप्रूव है, लेकिन ये शेड्यूल अभी बीसीसीआई ने अप्रूव नहीं किया। अभी आपके सामने मैं कंप्लीट शेड्यूल रखता हूँ। 19 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची स्टेडियम में। दूसरा जो मैच है 20 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, फिर अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 21 फरवरी को, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 22 फरवरी को, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया 23 फरवरी को, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 24 फरवरी को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 25 फरवरी को, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 26 फरवरी को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड 27 को फरवरी को, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 28 फरवरी को, ये भी बहुत बड़ा मैच होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी में। 1 मार्च को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड 2 मार्च को रावलपिंडी स्टेडियम में। उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। पहला सेमीफाइनल कराची क्रिकेट स्टेडियम में, दूसरा सेमीफाइनल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, फाइनल लाहौर में होगा 9 मार्च को। दोस्तों ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये रोना धोना खत्म होना चाहिए इस बार, कि हर बार ऐसे यू हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाओ या किसी और मुल्क में जाकर खेलो, इस तरह ये हर बार ये लॉलीपॉप नहीं बिकेगा। इस बार या तो इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेले, अगर नहीं खेलती तो कोई बात नहीं, चैंपियन ट्रॉफी विदाउट इंडियन टीम हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ऐसे क्रिकेट का मजा किरकिला हो जाएगा, जब भी कोई वर्ल्ड कप आएगा फिर पाकिस्तान टीम भी स्टैंड जरूर लेगी, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है। जब एशिया कप हो रहा था तब ऐसी बात नहीं हो रही थी कि ये तो एशिया कप है, आईसीसी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, आईसीसी का इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए। पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल पर गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी चेयरमैन ने परमिशन भी दी, लेकिन जब बारी आई वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेल कर आई, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, लेकिन आईसीसी का इवेंट था वो भी, और ये भी आईसीसी का इवेंट है, तो इंडियन टीम मजबूर है इस टाइम और जरूर आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में खेलने के लिए। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू की जो वर्ल्ड कप में जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है आईसीसी को जाता है पैसा, उस सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है उससे रेवेन्यू इतना ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो फिर ना आईसीसी चाहेगा, ना बीसीसीआई चाहेगा, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हो वो स्किप हो। विदाउट पाकिस्तान इंडिया मैच ही ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा, ना चैंपियन ट्रॉफी में मजा आएगा, ना वर्ल्ड कप में मजा आएगा, फिर
क्रिकेट फैन और भी बहुत नाराज होंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये पॉलिटिशियन से थोड़ी बहुत जान भी छुड़ा लें, इंडियन क्रिकेट फैन जितने भी हैं ये आपको चूरन बेच रहे हैं और अच्छे से लगाकर बेच रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना नहीं खेलना, सिर्फ वोट भी इसी नाम से मांग जाते हैं, अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। देखो आप लोग यहाँ पर ट्विस्ट चेक करो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला नहीं, आईसीसी को कोई मसला नहीं, लेकिन मसला है बीसीसीआई को, यानी बीसीसीआई ने अभी तक इस शेड्यूल को अप्रूव नहीं किया। अब बीसीसीआई बड़ा हो चुका है आईसीसी से, अभी साफ पता नहीं चल रहा आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, इसमें तो कोई दूसरी राय बिल्कुल भी नहीं है। आईसीसी का मतलब क्या, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। चैंपियन ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से स्टार्ट होगा पाकिस्तान में और 9 मार्च तक ये रहेगा। आपको ये तो पता है इंडियन टीम के जो ग्रुप के मैचेस हैं वो एक ही वेन्यू पर होंगे, लेकिन सेमीफाइनल का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो पहला सेमीफाइनल होगा वो कराची स्टेडियम में होगा और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो उसको लाहौर में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्रुप स्टेज तक ही वो खेल सकती है लाहौर में, बाद में या फिर उसको कराची जाना पड़ेगा या फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जाकर खेलना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है इंडियन टीम। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इससे पहले आना भी जरूरी है, इंडियन टीम पाकिस्तान में आए आकर मैचेस खेले और आना भी चाहिए क्योंकि फैंस देखना चाहते हैं। अभी WCL हो रही है, पाकिस्तान चैंपियन वर्सेस इंडियन चैंपियन, आपने मैच देखा होगा, क्राउड फुल था और जो डिजिटल राइट्स है उसका भी हाइप बहुत बड़ी क्रिएट हो रही थी, सब मानते हैं सब लोग देखना चाहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, लेकिन वही बात है बार बार ये बात रिपीट हो रही है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की तरफ से नहीं इंडियन पॉलिटिशियन, वो ये नहीं चाहते, वो उनका वो कहते हैं चूरन इसी नाम से बिकती है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, वो अपनी सिर्फ दुकान इसी नाम पर चिपका रहे होते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ऐसे मीडिया पर कंपेन चला रहे होते हैं कि बॉर्डर पर ये हमें मार रहे हैं और हम इनके साथ मैच खेलें, ये ऐसा सिर्फ मीडिया पर ज़्यादा शो किया जाता है, जहरी बात है ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है तभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन सारा मुद्दा वो खेल पर डाल देते हैं। आप फैन से पूछो, जितने भी फैंस हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो और पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया के मैचेस होने ही चाहिए। क्रिकेट में तो चलो बॉर्डर पर तो आप दुश्मनी निभा ही रहे हो, क्रिकेट फील्ड में तो ना करो, स्पोर्ट्स को तो इससे जिस चीज़ से दूर रखो आप लोग। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। आउटसाइड एज एंड ही निक्स इट दिस टाइम, देयर विल बी अ चेक ऑन द फ्रंट फुट, दिस मे वर्क for Pakistan is clearly over the line and it's a no ball.